हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका ध्रुव डी एजुकेशन चैनल पर और हमने कल डिस्कस किया था जो वायरस से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में और बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में और आज हम क्वेश्चंस देखेंगे पैरासिस्टिक डिजीज़ और जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक है और फंगल डिजीज़ के बारे में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस का हम क्विक रिवीजन करेंगे और ये जो वीडियो हैं ये यू पी एग्ज़ाम आ रहा है मई में 2023 में तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आर और ए का भी नोटिफिकेशन आने वाला है बता रहे हैं कि पंद्रह फरवरी से नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये ये सारी जितनी भी घटना चक्र की बुक्स हैं और जो हम वीडियो तैयार कर रहे हैं इनसे रिलेटेड तो ये सारी वीडियो आपके इन एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ठीक है थीके? चलिए तो आज से आप आज की क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन वन है द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया इज जो ऑर्गन मलेरिया से अफेक्टेड होता है उस वो कौन सा है तो ये है स्प्लिन कौन सा ऑर्गन है स्प्लिन ठीक है मलेरिया इज ट्रांसमीटेड मोस्ट कॉमनली बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट हुज कैरियर इज ए फीमेल एनोफेलीज मॉस्किटो द स्प्लिन विच ऑफन बिकम्स एन लार्ज इन मलेरिया स्प्लिन लार्ज एंड लार्ज हो जाता है मलेरिया में इज मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी क्विनाइन इज द इज ओल्ड ट्रेडिशनल ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया मलेरिया की ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग दी जाती है क्विनाइन अदर इफेक्टिव ड्रग्स आर कैम कैमोगिंग और डेराफ्रिम और रेसोचिन ये कुछ इफेक्टिव ड्रग्स हैं जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं कैमागोइंग और डेराफ्रीम और रेसोचिन ठीक है नेक्स्ट है कैरियर ऑफ पैरासिटिक प्लाज्मोडियम इज पैरासिटिक प्लाज्मोडियम का कैरियर कौन सा है टिक है मॉस्किटो है या फिर फ्लाई हैं या लाइस हैं तो क्या है मॉस्किटो है मॉस्किटो से होता है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरियर ऑफ पैरासिटिक प्लाज्मोडियम तो ये है मॉस्कीटो मॉस्कीटो से फैलता है मेलिग्नेंट मलेरिया इज कोजड बाय इसका क्या कारण है मेलिग्नेंट मलेरिया का जिसका है प्लाज्मोडियम फैल्की पेरम ठीक है मेलिग्नेंट मलेरिया इज कोजड़ बाय प्लाज्मोडियम फैलसी पेरम इट इज़ अमोंग द मोस्ट सीवर ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीज एंड दोज हु कॉन्टैक्ट दिस फॉर्म ऑफ मलेरिया हैव ए हायर रिस्क ऑफ डेथ ओके बहुत ही क्या है डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये मेलिग्नेंट मलेरिया नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन बिटवीन मलेरिया एंड डेंगू तो कौन सा कॉमन नहीं है मॉस्किटो इस्पीसीज ये अलग अलग है मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफेलिज मॉस्किटो वायल डेंगू इज़ फ्रॉम फीमेल एडीज एजिप्टी ठीक है मलेरिया किससे होता है एनोफेलिज मॉस्किटो के बाइट करने से और डेंगू यह होता है एडिस एजिप्टी के बाइट करने से एक्सेप्ट दिस एंसेफेल एंड येलो फीवर इज आल्सो स्प्रेड बाय मॉस्किटो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती है यह है मलेरिया मलेरिया इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआ पैरा पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम एंड इट्स कैरियर इज फीमेल एनोफेलिज मॉस्किटो विच इज सेकेंडरी होस्ट और प्रोटोजोआ का क्या नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है विच डिजीज़ अमोंग दीज इज स्प्रेड बाय ए प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ से होने वाली कौन सी डिजीज़ है तो ये है मलेरिया ठीक है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मलेरिया तो कौन सा स्टेटमेंट मलेरिया से ये रिगार्डिंग देखें तो ट्रू नहीं है ये है इट इज़ अ डिजीज कोज बाय इंसेक्ट पैरासाइट मलेरिया डिजीज़ इज कोज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट विच इज़ ए प्रोटोजोआ। दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू अदर थ्री ऑप्शन आर करेक्ट अदर थ्री भी देख लेते हैं इट इज़ स्प्रेड बाय मॉस्कीटो मॉस्कीटो से स्प्रेड होता है इट स्प्रेड्स मोस्टली इन स्वैम्पी रीजन स्वैम्पी रीजन में इस्प्रेड होता है और फोर इट्स ट्रीटमेंट क्लोरोक्वीन इज यूज क्लोरोक्वीन क्वीन इज यूज यूज की जाती है किसमें किसमें मलेरिया के ट्रीटमेंट है नेक्स्ट ए विच ऑफ़ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ़ द केसिस ऑफ मलेरिया इन इंडिया तो कौन सा पैरासाइट रेस्पॉन्सिबल है इंडिया में मलेरिया के सिक्सटी फाइव परसेंट केसेज के लिए तो ये है पी वाई वैक्स प्लाजमोडियम वाई वैक्स इज ए प्रोटोजोआ पैरासाइट एंड ए ह्यूमन पैथोजन द मोस्ट फ्रीकेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉज ऑफ रिकरिंग मलेरिया वी पी वाई वैक्स इज़ वन ऑफ द फाइव स्पीसीज ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट सिक्सटी फाइव परसेंट केसेज ऑफ मलेरिया इन इंडिया एंडचुअली प्लाज्मोडियम वाईवैक्स एक्काउंट फॉर सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ मलेरिया केसेज इन एशिया एंड साउथ अमेरिका तो नाम ध्यान रखना है वाई वैक्स पैरासाइट ठीक है कौन सा है प्लाज्मोडियम वाई वैक्स हु वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कोज बाई प्लाज्मोडियम पैरासाइट किसने डिस्कवर किया था ये ये सर रोनाल्ड रोस ने सर रोनाल्ड रोस ए डॉक्टर इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ओकिस्ट ऑफ प्लाजमोडियम इन द फीमेल एनोफेलीज मॉस्किटो ही वन द नोबल प्राइज़ इन नाइनटीन हंड्रेड टू फॉर हीज वर्क ऑन मलेरिया द डिजीज कोज बाई नेमेटोड्स तो ये है फाइलेरिया जो डिजीज़ नेमोटोर्स के द्वारा होती है उसको बोलते हैं फाइलेरिया फाइलेरियासिस इज़ ए पैरासिटिक इन्फेक्शन कोजड बाय ए थ्रेड लाइक नेमोटोर्स फिलेरिया दैट बिलोंग टू द राउंड वॉर्म सुपर फैमिली फ्लोरियो फ्लोरिडा ठीक है दीज इन्फेक्शंस आर कॉमन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज सच एज सब सहारा अफ्रीका और साउदर्न एशिया वेस्टर्न पैसिफिक आईलैंड ब्राजील एंड गुयाना द डिजीज इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय फीमेल क्यूलैक्स मॉस्किटो मॉस्किटो का नाम भी ध्यान रखना है नेक्स्ट है क्वेश्चन कौन सा था इलेवन एलेवन तो ये हो गया ना ट्वेल्व अलेवन का ये बता रहे आगे एक्सप्लेनेशन एडिमा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ फिलियरीसिस एंड कैन लीड टू एनसी इलीफेंटेला इलीफेंटिएसिस विच इज़ करेक्टराइज बाई थकिन एंड मेसियो स्वेलिंग मैच करना डिजीज को और बताने किससे कौन सी प्रॉब्लम होती है तो इसका आंसर होगा ई मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और पोलियोमेलाइटिस ये होता है किससे वायरस से ट्यूबरकोसिस बैक्टीरिया से होता है और रिंगवॉर्म एक फंगी से होता है मलेरिया प्रोटोजोआ पोलियोमेलाइटिस वायरस ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया और रिंगवॉर्म फंगी ये भी मैच करना है नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कौन सा कौन सी डिजीज़ किससे होती है इसका आंसर है डी प्लेग बैक्टीरिया से होता है एड्स वायरस और बेल्डनेस बालों का गिरना मतलब बाल उड़ जाना तो ये होता है किससे फंगस से और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है ठीक है प्लेग बैक्टीरिया एड्स वायरस बैल्डनेस फंगस और मलेरिया प्रोटोजोआ ठीक है नेक्स्ट स्लीपिंग सिकनेस हैपन्स ड्यू टू कब होती है स्लीपिंग सिकनेस यूनिसेल्युलर एनिमल नेब ट्रिप्सोमैन ट्रिप्सोनो ट्रिप्नोसोमा ठीक है ट्रिप्सोनोमा था ये स्लीपिंग सिकनेस आल्सो कार्ड ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियेसिस इज ए वाइड स्प्रेड ट्रॉपिकल डिजीज दैट कैन बी फैटल इफ नॉट ट्रीटेड स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय टू डिफरेंट पैरासाइट्स एक तो है ट्रिप्नोसोमा और यह है एक है ब्रूकी रो ब्रूकी रोडेसिएस एंड ट्रिप्नोसोमा ब्रूकी गैम्बियंस ठीक है एक तो है ट्रिप्नोसोमा ब्रूकी रोडी रोडिसियंस रोडिस रोडिसियंस और एक है ट्रिप्नोसोमा ब्रूकी गैम्बियंस ठीक है एक बार प्रोनाउंसेशन देख लेंगे खुद से भी इट इज़ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड टी सी टी सी जिसको बोलते हैं ग्लोसिना जीनस ग्लोसिना ये जी स्पीसीज नेटिव टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की नेटिव है द टी सी टी सी फ्लाई बाइट इनटू ए रेड सोर एंड विदिन अ फ्यू वीक्स द पर्सन कैन एक्सपीरियंस फीवर सोलन लिम्फ ग्लैंड्स और एकिंग मसल्स एंड जॉइंट्स हेड एंड इरिटेबिलिटी ये सब हो जाता है क्योंकि जब ये फ्लाई बाइट करती है पहले वहाँ पर रेड सोर हो जाता है और उसके बाद में ये सैम्टम आते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ कौन सी मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ नहीं है स्लीपिंग सिकनेस सी टी सी टी सी फ्लाई के काटने से होती है बाकी डेंगी और फेलियरसीस और मलेरिया ये सब मॉस्कीटो के बाइट करने से फैलती हैं मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ आर दोज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्कीटो डिजीज़ दैट आर स्प्रेड टू पीपल बाय मॉस्कीटोज इंक्लूड जायका वायरस जीका वायरस और वेस्ट नाइल वायरस चिकनगुनिया डेंगू और मलेरिया स्लीपिंग सिकनेस और ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्सो ट्रिप्सोनोमाइसिस इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कोव्ड वायर रिलेटेड पैरासाइट स्ट्रेंस ट्रिप्सोनो ट्रिपनोसोमा ब्रूकी गैम्बियंस एंड ट्रिप्नोसोमा ब्रूकी रोडिसियंस ट्रांसमिटेड बाई टी सी टी सी फ्लाई के द्वारा ही ट्रांसमिट होते हैं ड्यू टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड लैक ऑफ़ सैनिटेशन थ्री मेन कम्युनिकेबल डिजीज इन डेवलपिंग कंट्रीज़ आर कौन सी हो सकती हैं अगर हम सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं लेंगे और सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन सी कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हो सकती हैं तो ये मलेरिया एक्यूट डायरिया और सिकस्टो सिकिस्ट यह है सिकस्टोसोमाइसिस मलेरिया एक्यूडायरिया और सिस्टोसोमाइसिस आर थ्री मेन कम्युनिकेबल डिजीज इन डेवलपिंग कंट्रीज कोज्ड बाय अनसेफ वाटर एंड लैक ऑफ सैनिटेशन ये शिष्टी शिस्टोसोमाइसिस है क्या बोलेंगे हम इसको सिस्टोसोमाइसिस ठीक है इसका प्रोनाउंसिएशन नेक्स्ट है लेंडर पेस लियडर पेस वाज फोर्सड ऑफ द कॉर्ट ऑफ टेनिस इन टू थाउजेंड थ्री आफ्टर ए प्रॉब्लम वाज़ डिटेक्टेड इन हिज ब्रेन वॉट वाज़ द प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम होगी थी सिस्ट ठीक है लियडर पेस वाज फोर्सड ऑफ द कॉर्ट ऑफ टेनिस इन टू थाउजेंड थ्री आफ्टर ए सिस्ट वाज डिटेक्टेड इन हिज ब्रेन ए सिस्ट इज़ ए क्लॉज सैक हैविंग ए डिस्टिंक्ट एंड एंडिविजन कंपेयर टू द नियर बाय टिशू एंड सीट इज ए क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट हैव ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ए शैक वन रेदर कॉमन इन्फेक्शन इन इंडिया कोजिंग सच ए ब्रेन लाइजन इज क्रिस्टिकेरस ग्रैनुलोमा कोज्ड बाय द लार्वल लार्वा फॉर ए टैप वॉर ठीक है चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन जेनेटिक डिजीज़ इसमें से देखने कौन सी जेनेटिक डिजीज़ नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिजीज़ नहीं है बाकी हिमोफीलिया एल्बीनिज्म और कलर ब्लाइंडनेस ये सब क्या है जेनेटिक डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस इज़ नॉट ए जेनेटिक डिजीज़ द कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इज डेफिशिय ऑफ विटामिन ई एलबीनिज्म इज ए जेनेटिक डिजीज इन विच द पिगमेंट्स कार्ड मेलानिन इज पार्शियली और कम्प्लीटली एब्जेंट इन द स्किन एल्बेनिज्म में जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो मतलब पूरी तरह से स्किन में एब्जेंट होता है हेयर एंड आइज स्किन में भी हेयर और आइज़ में भी ठीक है हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक सेक्स लिंकड डिजीज़ कलर ब्लाइंडनेस इज आल्सो ए जेनेटिक डिजीज ठीक है नेक्स्ट है फैनिल कैटोनिया is an example of an inborn error of metabolism this error refers to the inherited lack of an enzyme phenyl pku is a disease caused by a metabolic disorder inherited as a recessive trait the dominant gene p in this case codes for the enzyme phenyl phenylalanine hydroxylase Formed in these liver cells, this enzyme catalyzes conversion of phenylalanine to tyrosine. In, ha in homogeneous recessive genotypes, the absence of this enzyme causes a high level of phenylalanine in blood and tissue fluids. Fluids The phenotypic effect include a progressive mental retardation, starving a few months and after birth, सीजर्स एंड एनोमेलीज ऑफ टीथ इमल एंड बस ठीक है नेक्स्ट ए पर्सन अफेक्टेड बाई फेनिलटोनिया डिजीज सफ़र्स फ्राम किससे सफ़र होता है वो मेंटल आइडियोसी जिसको फेनिल क्यूटेरिया डिजीज होते होती है वो मैंटल आइडियोसी से सफ़र होता है नेक्स्ट ए द फेमस बबल बेबी डिजीज इज़ सो कार्ड बिकॉच सफरिंग बेबी इज़ ट्रीटेड इन ए जर्म फ्री प्लास्टिक बबल ठीक है इसको बबल बेबी डिजीज क्यों बोलते हैं क्योंकि जो सफरिंग बेबी है उसका ट्रीट किया जाता है जल्फली फ्री प्लास्टिक बबल से ठीक है बबल बेबी डिजीज या सीवर इम्यूनो इम्यूनोडेफिशियंसी इज ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टर्ब डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल टी सेल्स एंड बी सेल्स कोज्ड बाई न्यूमरस जेनेटिक म्यूचुएशंस देर आर सैवरल फॉर्म ऑफ एस सी आई डी द फेमस बबल बेबी डिजीज इज ए नेम्बड सो एज दफरिंग बेबी इज ट्रीटड इन ए चर्म फ्री प्लास्टिक बबल्स ठीक है हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक डिजीज कैरियड बाई किससे होती है ये वोमेन अपीयर इन मैन वोमेन के द्वारा कैरियड होती है हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक सेक्स लिंक्ड डिजीज इन विच ब्लड क्लोटिंग टेक्स ए लॉन्ग टाइम इन ए पेशेंट अप टू ट्वेंटी फोर आवर्स ड्यू टू लैक ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा वोमैन कैरी इट वाई इट वाइल इट अपियर्स इन मैन वोमैन कैरी करती हैं कैरियर होती हैं लेकिन होता है कि इसमें मैन में बिकॉज मैन हैव द एक्स क्रोमोसोम बट वोमैन हैव टू इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं विच वाज फर्स्ट फाउंड इन क्वीन विक्टोरिया सो इट इज़ आल्सो नोन एज रॉयल हीमोफीलिया भी इसको बोलते हैं ठीक है हीमोफीलिया इज़ क्या है एक हेयर डिफेक्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीज इज सेक्स लिंक्ड तो ये है रॉयल हीमोफीलिया हीमोफीलिया इज ए हेयर डिटेरी डिजीज़ विच अफेक्ट्स एज एब्जेंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग इसको अफेक्ट करता है ठीक है इसमें ब्लड क्लोटिंग की एबजेंस होती है हेरिटेबल डिजीजिज कौन सी है तो ये हीमोफीलिया ये हेरिटेबल है ठीक है ऑफ द फॉलोइंग ए जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा इनमें से जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है तो ये है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बाकी जो डाउन सिंड्रोम है हीमोफीलिया है सिकल सेल एनीमिया है ये सब क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम हिमोफीलिया सीकल सेल एनीमिया आर हेयर डिटेरी डिजीज इरीटेबल बाउल सिंड्रोम इज नॉट ए जेनेटिक डिसऑर्डर इट इज़ ए कॉमन गट डिसऑर्डर द कोज इज नॉट वेल नोन सिम्टम्स कैन बी क्वाइट वेरिएबल एंड इंक्लूड टमी एब्डोमिनल पेन होता है इसमें ब्लॉटिंग एंड समटाइम्स बाउट्स ऑफ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ठीक है इन ह्यूमन्स ट्रिसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ट्वेंटी वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन में इन ह्यूमन ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ट्वेंटी वन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए है डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम आज सो नोन है ट्राईसोमी ट्वेंटी वन भी बोलते हैं इसको डाउन सिंड्रोम को इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर बाय प्रेजेंस ऑफ ओल या ओर पार्ट ऑफ द थर्ड कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ट्वेंटी वन इट इज़ यूजली एसोसिएटेड विद फिजिकल ग्रोथ डिले इसमें फिजिकल ग्रोथ देरी से होती है माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी एंड करेक्टरिस्टिक फेसियल फीचर इन सब को इफेक्ट करता है ये इट इज़ आल्सो नोन एज मंगोलियन आइडियोसी भी बोलते हैं इसको ट्राइसोमी ट्वेंटी वन इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिसडर विच इज कॉजड ड्यू टू ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है डाउन सिंड्रोम इज ई जेनेटिक डिसडर विच इज कॉजड ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दिस ट्वेंटी फर्स्ट पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर थ्री इंस्टेड ऑफ टू इसमें क्रोमोसोम्स थ्री हो जाते हैं सो द क्रोमोसोम्स ग्रुप ऑफ टू एक्स प्लस वन क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी वन इक्वल टू फोर्टी सेवन दिस सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज मैंगोलियन आइडियोसी कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज कॉज्ड बाई द एक्सप्रेशन ऑफ इ रिससिव जीन प्रजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम तो ये है मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ए हेयर डिटेरी डिजीज लिंक्ड विद एक्स क्रोमोसोम विच इज़ ड्राइव बाय द एक्जीक्यूशन ऑफ द इनफेक्टिव जीन्स प्रजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स दिस मूव फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन नेक्स्ट है मैच करना है इससे हीमोफीलिया है आंसर है इसका बी जैसे ए का टू तो हीमोफीलिया जेनेटिक डिजीज है डायबिटीज़ हार्मोनल डिसऑर्डर से होती है रिकेट्स डेफिशिय डिजीज है और रिंगवॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है ठीक है हिमोफीलिया जेनेटिक डिजीज़ है डायबिटीज़ हार्मोनल डिसऑर्डर है रिकेट्स डेफिशियसी डिजीज़ है और रिंगवॉर्म फंगल इन्फेक्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज करेक्टली मैचड इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैचड है डायरिया न्यूमोनिया एंड लिप्रोसी ये सेक्स लिंकड हैं एड्स सिफलिस एंड गोनोरिया ये सब बैक्टीरियल हैं कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया एंड सीकल सेल एनीमिया हेयर डिटेरी हैं या फिर पोलियो जापानीज बी एंसेफेलिस और प्लेग ये सब वायरल हैं। तो इनका असर अच्छा है सी केवल सी करेक्ट है कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया और सीकल सेल एनीमिया ये सब हेयर डिटेरी डिजीज़ है ठीक है डिफ्थीरिया Pneumonia and Leprosy are bacterial disease, AIDS is a viral disease and while Syphilis and Gonorrhoea are bacterial disease, color blindness, Haemophilia and Sickle cell anemia are hereditary disease, Polio and Japanese B Encephalitis are the viral disease and while Plague is a bacterial disease. In respect of women, men can suffer more of color blindness because दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इसलिए मैन ज़्यादा ब्ला कलर ब्लाइंडनेस से ज़्यादा सफ़र करते हैं कलर ब्लाइंडनेस इज़ इनहेरेटिड इफ एन एक्स लिंकड रिसेप्टिव पैटर्न द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द एक्सक्रोमोसोम विच इज़ वन ऑफ द टू सेक्स क्रोमोसोम्स इन मेस हु हैव ओनली वन एक्सक्रोमोसोम्स वन जेनेटिक चेंज इन ईच सेल इज सफिशेंट टू कोज द कंडीशन male are affected by x-linked recessive disorders much more frequently than females who have two x chromosomes in which a genetic change would have to occur on both copies of the chromosome to cause the disorder the characteristic of x-linked inheritance is that father cannot pass x-linked traits to their sons हिज वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैचड इनमें देखना है कौन सा इनकरेक्टली मैचड है तो थायमिन बेरी बेरी एसिड इसका भी हो जाता है और विटामिन ए से कलर ब्लाइंडनेस होता है नहीं नाइट ब्लाइंडनेस होता है तो इसका आंसर यही है विटामिन के से ब्लड की डेफिशियंसी से ब्लड क्लॉथिंग लैक ऑफ विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस नॉट ओकर कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस इज ए जेनेटिक डिजीज विच इज़ इनहेरिटेड इन एक्स लिंकड रिस पैटर्न सो ऑप्शन इज़ नॉट करेक्टली मैचुर नेक्स्ट है इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज विद नॉर्मल वोमैन देन दैमटम्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज जेनरेटिड इन तो किस में हो गए सन्स ऑफ ड्योटर ठीक है इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज विद ए नॉर्मल वोमेन दे प्रोड्यूस नॉर्मल सन एंड हैट्रो हाइड्रोजियस नॉर्मल ड्योटर इफ ए कैरियर डोटर इज दैन मैरिड टू ए नॉर्मल हस्बैंड, अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ दियर सन्स एंड डेटर विल इनहेरिट द रिसेसिव जीन ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस द दंस इनहेरिटिंग दिस जीन विल बी कलर ब्लाइंड एंड द ड्योटर विल बी कैरियर कैरियर का काम करेगी ड्योटर द रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट सन्स एंड डेटर विल भी नॉर्मल ठीक है नेक्स्ट ए कलर ब्लाइंड पर्सन मैन गेट मैरिड टू ए नॉर्मल वोमेन हुज पेरेंट्स वर नॉट कलर ब्लाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ बींग कलर ब्लाइंड इन देयर चिल्ड्रन तो कितनी पॉसिबिलिटी है जीरो परसेंट ठीक है क्योंकि पेरेंट्स तो कलर ब्लाइंड उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं थी ना कलर ब्लाइंडनेस वाली नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कंटेक्सट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कंसिडर द फॉलोइंग ए वोमेन सफ़र फ्राम कलर ब्लाइंडनेस वाइल हर हसबेंड डज नोट सफ़र फ्रॉम इट दे हैव ए सन एंड ए डेटर इन दिस कंटेक्सट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस्टेटमेंट इज मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट तो बताना है इनमें से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है आंसर है सी सन सफर्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस वाइल डियोटर डज नोट सफ़र फ्रॉम इट तो कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र होगा सन इफ ए कलर ब्लाइंड वोमन मैरी विद ए नॉर्मल मैन देयर सन विल बी कलर ब्लाइंड वाइल ड्योटर विल बी ए कैरियर इन ए पेशेंट ऑफ थैलोसीमिया द बॉडी इज अनेबल टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है ना बॉडी हीमोग्लोबिन सिंथिसाइज़ नहीं कर पाती है थैलीसीमिया इज ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है ये भी इन पेशेंट ऑफ थैलीसीमिया द बॉडी इज अनेबल टू सिंथेसाइज़ इनअ हीमोगलोबिन विच कॉज सीवर एनीमिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलीसीमिया इज ए हेयर डिटेरी डिजीज़ विच अफेक्ट किसको अफेक्ट करता है ये ब्लड को थैलीसीमिया भी एक हेयर डिटेरी डिजीज़ है और ये अफेक्ट करती है इसको ब्लड को ठीक है तो ये थी आज के टॉपिक इसमें हमने देख लिया फंगल डिजीज़ और जेनेटिक डिसऑर्डर और, और कुछ पैरासाइटिक डिजीज़ देखी है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा डेफिशियसी नॉन कॉन्टेजियस एंड अदर डिजीज ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़ और एंड इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड लाइक थैंक यू सो मच